हेलो फ्रेंड, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वीवो का Y20G। फ्रेंड, ये वीवो का Y20G है जिसमें पासवर्ड लॉक लग गया है। तो आप यहाँ देख सकते हैं इसमें पासवर्ड लॉक लग गया है। इसमें मैंने जो पासवर्ड लॉक लगा के रखा था वह मैं भूल गया हूँ, और जब मैं यहाँ पर कोई दूसरा पासवर्ड लॉक डाल के इसे अनलॉक करने की कोशिश करता हूँ तो वह रॉन्ग आता है। तो आज मैं इसका पासवर्ड लॉक अनलॉक करके आपको दिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इस फ़ोन को पावर ऑफ कर देंगे। तो ये पावर बटन है, इसे हम लोग दबा के रखे रहेंगे तो यहाँ पर पावर ऑफ करने का ऑप्शन आ जाएगा। देखिए आ गया। अब यहाँ पावर ऑफ के ऑप्शन पर टैप करेंगे और इस फ़ोन को ऑफ कर लेंगे। ठीक है, अब हमारा फ़ोन ऑफ हो रहा है, हो गया। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, फ़ोन के इस साइड में सबसे ऊपर में वॉल्यूम अप बटन है, उसके नीचे वॉल्यूम डाउन बटन है और सबसे नीचे पावर बटन है। तो हम लोग को क्या करना है, वॉल्यूम अप बटन को दबा के रखे रहना है और उसके बाद जाके पावर बटन को दबाना है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले वॉल्यूम अप बटन को हम लोग दबा दिए, उसके बाद जाके पावर बटन को दबा दिए। जैसे ऑप्शन आएगा दोनों बटन को छोड़ देंगे। आ गया, दोनों बटन को छोड़ दिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन आ चुका है। यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर में लिखा है वीवो फास्ट बूट, यहाँ पहला नंबर में लिखा है रिबूट, सेकंड में लिखा है रिकवरी मोड। तो हम लोग को रिकवरी मोड पे आना है। तो वॉल्यूम डाउन बटन दबा के रिकवरी मोड पे आ जाएंगे। आ गए रिकवरी मोड पे। अब हम लोग इसी पे रहना है और पावर बटन दबा देना है। चलिए पावर बटन दबा देते हैं। जैसे पावर बटन दबाएंगे यहाँ पर थोड़ा सा वेट करेंगे, थोड़ी देर में यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन आ जाएगा। तो फ्रेंड, आपको मेरा वीडियो देखने में कैसा लग रहा है कमेंट्स में टाइप करके ज़रूर बताइएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन आ चुका है। अब यहाँ पर लिखा है वीवो रिकवरी। अब यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, जिसमें से आपको यहाँ पर दिख रहा होगा क्लियर डाटा। इस क्लियर डाटा पे हम लोग को टैप कर देना है। जैसे टैप करेंगे यहाँ ऊपर में लिख के आएगा क्लियर डाटा, यहाँ पहला नंबर में लिखेगा क्लियर कैचा, सेकंड में लिखा होगा क्लियर ऑल डाटा। तो हम लोग को सबसे नीचे वाले क्लियर ऑल डाटा पे टैप कर देना है। तो यहाँ पे लिख के आएगा क्लियर ऑल डाटा और नीचे लिखा हुआ है ऑल यूज डाटा विल बी डिलीटेड, इंक्लूड म्यूजिक फोटो एंड अदर यूज डाटा विल बी लॉस्ट। अब यहाँ लिखा हुआ कैंसिल, यहाँ लिखा हुआ है ओके। तो हम लोग को ओके पे टैप कर देना है। जैसे ओके पे टैप करेंगे हमारा फ़ोन जो है वाइप डाटा फैक्ट्री रिसेट हो जाएगा। तो जब तक हमारा फ़ोन वाइप डाटा फैक्ट्री रिसेट हो रहा है तब तक हम लोग वेट करेंगे। तो फ्रेंड, आपको मेरा वीडियो देखने में कैसा लग रहा है कमेंट्स में टाइप करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए नए हैं और आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। तो देख सकते हैं हमारा फ़ोन जो वाइप डाटा फैक्ट्री रिसेट हो चुका है। यहाँ नीचे में लिखा चुका है डाटा वाइप्ड कंप्लीटेड। अब यहाँ लिखा हुआ है रिटर्न, तो हम लोग रिटर्न पे टैप करना है। तो हम लोग बैक हो जाएंगे, फिर से यहाँ ऊपर में बैक का आइकन दिख रहा है, उस पर टैप करेंगे। ठीक है, अब हम लोग फिर से आ गए हैं वीवो रिकवरी मोड में। अब यहाँ देखिए नीचे में लिखा हुआ है रीस्टार्ट, इस पर हम लोग टैप करेंगे। यहाँ पर लिख के आ रहा है रीस्टार्ट योर फ़ोन। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कैंसिल, यहाँ लिखा है ओके, तो ओके पे टैप कर देंगे। जैसे ओके पे टैप करेंगे हमारा फ़ोन जो है रीस्टार्ट मोड में चला जाएगा। तो यहाँ पर आपको 3 से 4-5 मिनट लग सकते हैं। तो जब तक हमारा फ़ोन खुद ब खुद स्टार्ट ना हो जाए तब तक हम लोग को वेट करना है। तो फ्रेंड, आपको मेरा वीडियो देख कर कैसा लगा कमेंट्स में टाइप करके ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें और दूसरों को शेयर भी करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि जब भी मैं ऐसे नई वीडियो लेकर आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन जो आपको सबसे पहले मिल जाए। फ्रेंड, इसके अलावा मेरे चैनल पर आपको मोबाइल से जुड़े बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, जिससे आप अपनी मोबाइल का प्रॉब्लम का सलूशन आसानी से और सरल तरीके से कर सकते हैं। फ्रेंड, ये हार्ड रिसेट प्रोसेस है। हार्ड रिसेट कंप्लीट हो जाने के बाद अगर आप गूगल अकाउंट लॉक में फंस जाते हैं तो उस पर भी मैंने एक वीडियो बना के रखा है। उस वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ पर जाए वीडियो के लिंक पर क्लिक करें और वीडियो को देख के अपने फ़ोन का FRP लॉक भी बाईपास करें। तो देख सकते हैं हमारा फ़ोन अब खुल चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद यहाँ स्टार्ट पर टाइप करेंगे और स्टेप बाय स्टेप जाके अपने फ़ोन को सेटअप करके चला सकते हैं। अगर आप यहाँ पर गूगल अकाउंट लॉक में फंस जाते हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, उस पर ही मैंने वीडियो बना के रखा है। उस वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो फ्रेंड, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों, गुड डे।